आधार कार्ड ने अब पहचान के जरूरी दस्तावेज का रूप ले लिया है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ उठाने तक आधार कार्ड बेहद जरूरी हो गया है। इसके बिना कोई भी फाइनेंशियल काम करना आसान नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि आधार कार्ड पर दी गई जानकारी पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। आधार कार्ड पर किसी भी तरह की गलती कार्ड धारक के लिए मुसीबत बन सकती है। अब आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो अब आपको इसे अपडेट कराने की जरूरत है। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ दस्तावेज को अपलोड करें। इसे ऑफलाइन अपडेट के लिए आपको अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। UIDAI के अनुसार आप आसानी से डेमोग्राफी विवरण, नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल व ईमेल 50 रुपये का शुल्क देकर अपडेट करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर जाएं। आधार नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके लॉगिन करें। तो चलिए आपको मैं करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ लिखेंगे ई आधार, उसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगा। ई आधार वाला वेबसाइट खोल लेंगे, UIDAI का वेबसाइट खोलने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आधार नंबर देंगे अपना, उसके बाद जो है कैप्चा देंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। मेरा OTP आ चुका है, मैं अपना OTP एंटर कर देता हूँ। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करूंगा, देखिए लॉगिन हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे हम लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट, यहाँ से आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको खाली डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, जो नया रूल्स आया है, तो आपको इसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। लास्ट में जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट, इस पर क्लिक करना है आपको। आपको यहाँ पर नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाके कोई भी एक वोटर कार्ड या कोई भी एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप यहाँ पर वोटर आईडी भी अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पर पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद फिर एक बार नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ से आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कोई चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पहले अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद पेमेंट कर देना है। मैं अभी बैक होके आ गया हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपडेट कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा। और आपको मैं बता दूँ, आपको अपलोड करने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आप लोग उससे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे ऑनलाइन के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स है, आप लोग यहाँ से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं एक नया ऑप्शन और भी है, माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा मैं इसका यूज हम लोगों को कैसे करना है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।